चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी के 13% पर पहुंच सकता है राजकोषीय घाटा। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उसके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया, वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 13% को छू सकता है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2018-2019 के स्तर से नीचे रहने का अनुमान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा अप्रैल से अगस्त के दौरान 8,70,347 करोड़ यानी बजट में अनुमानित वार्षिक लक्ष्य के 109.3% पर पहुंच गया है। भारत का निर्यात सितंबर में सालाना आधार पर 5.27% बढ़ा। देश का निर्यात 6 महीने की गिरावट के बाद सितंबर महीने में सालाना आधार पर 5.27% बढ़कर 27.4 अरब डॉलर रहा। ये जानकारी शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में सामने आई है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2020 के दौरान सितंबर 2019 की अपेक्षा सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्रों में अनाज, लौह अयस्क, चावल, तिलहन और कालीन शामिल है। सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल वायदा कीमतों में तेजी, धनिया भी मजबूत। मजबूत हाजिर मांग के कारण व्यापारियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन की कीमत 60 रुपए की तेजी के साथ 3,926 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। NCDEX में सोयाबीन के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 60 रुपए अथवा 1.5% की तेजी के साथ 3,926 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिसमें 27,390 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वही वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को रिफाइंड सोया तेल की कीमत 8.3 रुपए की तेजी के साथ 912.4 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गई। NCDEX में रिफाइंड सोया के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 8.3 रुपए अथवा 0.99% की तेजी के साथ 912.4 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गई, जिसमें 22,070 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसके अलावा वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को धनिया की कीमत 8 रुपए की तेजी के साथ 6,800 प्रति क्विंटल हो गई। NCDEX में धनिया के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 8 रुपए अथवा 0.12% की तेजी के साथ 6,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिसमें 3,390 लॉट के लिए कारोबार हुआ। 2 करोड़ तक के लोन पर सरकार ने दी बड़ी राहत, इनको होगा बड़ा फायदा। कोरोना काल में कमाई का जरिया खो चुके कर्जदारों के सामने सवाल बड़ा है कि वो अपने घर गाड़ी की ईएमआई कैसे भरेंगे, और दूसरा बड़ा संकट लोन मॉरेटोरियम के चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर है। लेकिन अब सरकार ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने 2 करोड़ तक का लोन लिया है तो सरकार लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर खत्म हो जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि 6 महीने के इस लोन मोराटोरियम में MSME से लेकर पर्सनल लोन तक शामिल है, यानी ऐसे लोन में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया जाएगा। केंद्र का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ब्याज की छूट का भार सरकार उठाएगी। साथ ही सरकार ने कहा कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से इजाजत ली जाएगी। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।